वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स इन द राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम हैं संगम नगरी प्रयागराज में और ये हमारे साथ हैं रचित। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे दोस्त के दोस्त हैं, अब हमारे भी दोस्त। तो ये अभी मैं इनके होटल में हूँ और हमारा ये प्लान है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि ये हमें प्रयागराज घुमाएंगे। तो रचित भाई कहाँ कहाँ घुमाएंगे आज? चलिए आपको पहले तो हम ले चलते हैं संगम साइड, वहाँ पर देखेंगे हम लोग हनुमान मंदिर और किला है, अकबर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ भी हम लोग घूमेंगे। जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का वो है संगम। चलिए, जैकेट वैकेट मैंने ये पहनी है, लेकिन जा रहे हैं हम बाइक से। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि रात में नाइट लाइफ एक्सप्लोर किया जाए, और नाइट लाइफ कहाँ का भाई, तो प्रयागराज का। क्या बात है, सच बताऊँ तो प्रयागराज मेरे लिस्ट में था नहीं, बनारस लिस्ट में था, प्रयागराज नहीं था। अगर निश्चित नहीं होता तो शायद हम प्रयागराज नहीं आते। हम इनफैक्ट इसका घर इधर था, मैंने इसको इससे पूछा भी कि क्या कोई ऐसी बस वस है जो बाईपास से तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दे, तो उसने बोला बस तो नहीं जाएगी। फिर मैंने कहा चलो यार मैं छोड़ कर आता हूँ। छोड़ने आए तो फिर संगम देख लिया तो फिर रसगुल्ला खा लिया, जो मैंने आपको दिखाया नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद मैंने कहा चलो अब यहीं रुकेंगे आज। अब जब रसगुल्ले वाले की बात हो ही गई है तो मैंने सोचा कि कहीं और जाने से पहले रसगुल्ला ही खा लेते। यहाँ पर एक रसगुल्ला था, मेसर्स देहाती रसगुल्ला। हाँ, पुलिस वुलिस सब खाने आते हैं भाई, भीड़ देख, उल्टे साइड से आ रहे भैया। दो पैक कर दो, दो एक और चम्मच दे दो। आ जाओ चलो खाओ। ये रसगुल्ला भाई, रसगुल्ला गरम गरम गुलाब जामुन, मुंह मत जला लेना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर माघ के महीने में हर साल मेला लगता है, तो ये वही मेला वगैरह लगा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले वही संगम मेला देखने। तो यार हम चलते चलते आ गए हैं माघ के मेले में जो इलाहाबाद में लगा है। यहाँ पे पीछे एक झूला है जिसका नाम है रेंजर, हम वो ट्राई कर रहे हैं। क्या भाई पहले किया? मैंने तो किया हुआ है, अब आपकी बारी है। ये देखो ऊपर लाके छोड़ देता है वो। यार नीचे ये देखो, भाई डर तो नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, दूसरी बार है। ये देखो वहाँ जाके रुक जाता है, ये देखो वहाँ जाके रुक जाएगा। आप फट रही है भाई, ये इसकी फट रही है, इसकी फट रही है। सब लोगों की थोड़ी थोड़ी फट रही है। तो हम आगे आ गए, सबसे आगे हम बैठे हुए और सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमें, और बताते हैं अभी। मुझे लगता नहीं मैं कैमरा पकड़ पाऊंगा, कोई नहीं, मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन भाई जो मजा आया ना अभी भाई,
ये मेरे लाइफ का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसमें रेंजर पे, और मजा आया भाई, मुझे मजा आया, बहुत मजा आया। जब सबसे ज्यादा मजा आया जब हम वहाँ पे ऊपर रुके हुए थे, लेकिन मेरे को तो लगा मैं तो नीचे जा रहा हूँ यार, कभी लग रहा था मतलब थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं चल रहा था कि हम किस साइड पे हैं, ऊपर है कि नीचे है। तो मेले से अब हम जा रहे हैं, सुबह जहाँ गए थे संगम देखने, वो हमने समझ सपोज करो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को देखा था, पॉइंट ए पे जाके अब हम पॉइंट बी पे जाएंगे, पॉइंट बी से पॉइंट ए को देखेंगे। तो अब रचित के कुछ और दोस्त मिल गए हमें, इन भाई का नाम क्या, प्रियांशु, उधर सुयश, प्रज्वल, ये है प्रयागराज का संगम, संगम स्थल नहीं संगम घाट जो भी कह लो भाई। यार ये तो नदी के एकदम लेवल पे है, ये तो ऐसे क्या बाढ़ में डूब जाता है? नहीं नहीं हट जाता पूरा, पीवीसी से में लगाया जाता है एक महीने के लिए। अच्छा ये बस एक महीने के लिए लगाया जाता है? ओह तो ये थोड़ा एक नया पुल है जो हमेशा नहीं रह, अच्छा हर महीने हर साल लगाते हैं इसको? बार लगता है, जी मेला लगता है। अच्छा इस मेले के लिए लगाया है पीपा पुल, पीपा मतलब क्या हुआ भाई? पीपा जो ये तैरता है, ये देखो लग लग लगा है। हाँ ये तैर रहा है पानी के ऊपर, क्या है ये? ये हॉलो रहता है अंदर से पूरा सिलेंड्रिकल है। अच्छा लोहे का ही तो है? लोहे का ही है पूरा। अच्छा दिस इज समथिंग यूनिक, ये यमुना नदी है ना? हाँ, गंगा है, गंगा नदी है ये, संगम जाने का मार्ग भाई। सुबह तो यहाँ बहुत भीड़ होगी। तो अभी हम वापस से उसी जगह पे हैं जहाँ से संगम दिखता है, लेकिन ये अपोजिट साइड है, हम इसके उस साइड से, इसके नहीं उसके उस साइड से जहाँ वो लाइट्स वगैरह है, और अभी हम इस साइड है। तो हमारे साथ रचित भाई है और हमारे साथ प्रियांशु भाई है, ये यूपी पुलिस से है। आजकल हमारी पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा ही दोस्ती हो रही है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ यूपी, अभी अभी आपकी मतलब पोस्टिंग वगैरह हुई? कुछ बताओ यार, मेरा ना बचपन से मैं बताऊँ मुझे पुलिस वालों से डर बहुत लगता था। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता पुलिस वालों, मैं उसका रीजन बताता हूँ। पुलिस दोस्त होती है, लेकिन आदमी क्या है खुद डरता है। नहीं नहीं उसका रीजन क्या था, बचपन में जब ऐसा नहीं होता कि मम्मी डरा देती है सो जाओ खा लो नहीं तो पुलिस को बुला, तो इसी वजह से बचपन से वो डर बैठ गया। लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस वालों से दोस्ती हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम सिक्किम में थे, हमसे बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे मिलने आए थे, अभी यूपी में भी मिलने आए, अभी थोड़ा देर पिछले वीडियो में भी आपने देखा था भाई, मुझे तो काफी ऐसा मजा सा आ रहा है। मेरा डर तो अब खत्म हो गया, अब तो मुझे लगता है कोई पुलिस वाला ऐसे मुझे दिखेगा कोई डांट भी रहा तो मैं गले मिल के बोलूंगा कोई बात नहीं यार चल। देखो पुलिस क्या है ना, लोग गलती खुद करते हैं, पुलिस को भी ब्लेम कर देते हैं, और पुलिस क्या है सही चीज को सही बोलती है लेकिन लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, बस यही चीज है। एक्चुअली है क्या कि जिन लोगों के साथ थोड़ा गलत एक्सपीरियंस हो चुका है या फिर किसी के साथ हो गया है तो वो जनरलाइज कर देते हैं कि सारे पुलिस ऐसे, सारे पुलिस ऐसे नहीं होते, सारे लोग जब ऐसे नहीं होते तो सारे पुलिस ऐसे क्यों हों। ये हमारे साथ अभी पुलिस वाले हैं इसीलिए थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, उसके बाद चालान कटवा के जाने वाले। तो यहाँ पे बस ऐसे हम मस्ती करने आए थे, और ये पूरा नज़ारा देख कर अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधे सुबह। The next day. Good morning guys, this is next day. और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम स्टे कर रहे थे कोठीवाल पैलेस पे, एक बात और है कि जो हमारा नंबर प्लेट उड़ गया था वो मैंने यहाँ पे लगवा लिया है, ऑल दो दिस इज़ नॉट HSRP, लेकिन अभी टेम्प्रेरी नंबर के लिए सही है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, कल प्लान था मेरा कानपुर जाने का, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कानपुर हम पहले चलते हैं लखनऊ। ठीक है सर, ठीक है फिर मिलेंगे। तो आज की राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं लखनऊ की तरफ। प्रयागराज के एक चीज़ को मैंने नोटिस किया, हर चौक का जो थीम है वो अलग है, हर जो चौक के पास जो चौराहा है गोल चक्कर है उसका थीम अलग है, और बड़ा बढ़िया थीम है, मतलब थोड़ा स्टाइलिश। यहाँ से 200 किलोमीटर है लखनऊ, आज तो हमारे लिए बहुत लाइट राइड है, लेकिन मुझे लास्ट टाइम मैंने लखनऊ प्रयागराज टू लखनऊ किया है 100 किलोमीटर का पैच बहुत बेकार था। पहले मैंने सोचा था कि मैं सीधा ही दिल्ली जाऊंगा यार, फिर मैंने सोचा जब मैंने इतने जगहों को इतने अच्छे से लोगों को दिखाया है तो उत्तर प्रदेश को क्यों भूल रहे हैं हम।
तो उत्तर प्रदेश में मैंने बनारस दिखाया, अलाहाबाद दिखाया, प्रयागराज मतलब, और अब हम दिखाएंगे आपको लखनऊ, फिर हम आपको दिखाएंगे आगरा, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको मथुरा, फिर हम जाएंगे दिल्ली, ये मैंने अभी तक सोचा है। भाई लग गई हमें भूख, और यहाँ पे हमने देखा भारत फैमिली रेस्टोरेंट। चलो यहाँ खाना खाया जाए। खाना तो हमने खा लिया, पर खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों एनर्जी ऐसी लो सी लग रही है, शायद मम्मी की याद आ रही है। तो चलते चलते हम पहुंच गए राय बरेली विकास क्षेत्र में। राय बरेली विकास क्षेत्र में आपका स्वागत। ये राय बरेली का एरिया स्टार्ट हो गया, और अब यहाँ से जब राय बरेली आ जाएगा उसके बाद जो रोड है वो 4 लेन हो जाएगा। अभी तो वही सिंगल वन वे रोड है, आना जाना इसी में सब कुछ। वैसे तो जहाँ हमें जाना है वो यहाँ से 45 मिनट मतलब 33 किलोमीटर दूर है, पर लखनऊ विकास क्षेत्र अभी शुरुआत हो गया। लखनऊ विकास क्षेत्र का शुरुआत हो गया है, वी आर एंटरिंग UP 32। भाई इधर सब तो फोटो ही फोटो ले रहे हैं, ऐसा कोई रोड है जहाँ पे बहुत फोटोग्राफी हो रही है। भाई हम लखनऊ में लगभग पहुँच गए, और हमारा जो होटल है यहाँ से 10 मिनट दूर है, 10-12 मिनट। ये है कौन सी जगह भाई, इतनी फोटोज चल रही है यहाँ पे। तो हम पहुँच गए अपने होटल ओयोग ग्रीन व्यू होम स्टे, जहाँ हम हमेशा रुकते हैं। रूम बुक किया था भाई, हम तो आ गए थे लखनऊ, लेकिन लखनऊ से थोड़ा दूर आ गए हैं। आप वैसे लखनऊ में हैं, अगली वीडियो आपको लखनऊ की आएगी, लेकिन अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के एक और शहर में जिसका नाम है आगरा। आगरा से अभी हम आपको दिखाएंगे ताजमहल, आगरा में जो मोस्ट फेमस चीज़ है, और अभी बैठे हुए हैं। ये कैसे हुआ कैसे हुआ सब भूल जाओ, ये बस इसके लिए एक कोर्स करना पड़ेगा आपको ITUS का, बाकी सब सेट है। क्योंकि एक अभी अगले वीडियो में से आपको एक और शख्स देखने को मिलेंगे, वो वाले फुटेजेस थोड़े ख़राब हो गए, तो मैंने सोचा ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। अभी ताजमहल तो यहाँ पे ताजमहल का ये सामने गेट है, और लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यार यहाँ बहुत ज़्यादा ही ऐसे भीड़ होती थी। आज शायद थर्सडे है, थर्सडे को इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ होती है। और एक चीज़ और, अभी ताजमहल का जो टिकट है वो ऑनलाइन लग रहा है, आप ऑफलाइन टिकट नहीं ले सकते। और अभी कोई पूछेगा मुझसे गाइड चाहिए। सॉरी पहले लोग यहीं से जाके ऑफलाइन टिकट्स लेते थे, बहुत भीड़ लगती थी भाई, बहुत ज़्यादा। आज तो कुछ भी भीड़ नहीं है इधर। तो ये है ताजमहल का एंट्री गेट, और उसके जस्ट बगल में छोटा सा वो है एग्जिट गेट। आप वीडियो में बने रहना, एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बारी आ चुका हूँ। तो वीडियो के लास्ट में एक मस्त चीज़ बताऊंगा, अभी चलते हैं। और ये रहा ताजमहल। आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी के दांत के सफेद जैसे संगमरमर का मकबरा, जिसका नाम है ताजमहल। इसे बनाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। साथ ही ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाली अन्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। इसका कार्य निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूर्ण हुआ। ताजमहल उस टाइम 3.2 करोड़ रुपए में बना था। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था, जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से ज़्यादा अधिक मजदूर लगाए गए थे। उसके गुंबद बनाने में 15 वर्ष लगे थे। ताजमहल को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इमारत कहा जाता है। यहाँ प्रतिदिन करीब 12,000 से ज़्यादा लोग ताजमहल देखने आते हैं।
कहा जाता है जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकारों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ताजमहल जैसा महल दुनिया में कभी और ना बना पाए। ये ऐसी चीज है कि जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे आपको लगेगा ताजमहल आपके और पास आ रहा है। यहाँ से ज़्यादा देखो अभी भी लग रहा है। कभी आप इधर आना तो आप एक बार ट्राई करना और ये शायद इल्यूजन कहेंगे इसको, ऐसा लगेगा कि और पास आ रहा है। तो ताजमहल घूमने के बाद अभी हम एक प्रॉपर्टी पे है जिसका नाम है ताज खेमा। और ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लगी है मुझे, कभी अगर आपको मन हो कि ताजमहल के जस्ट सामने आपको अगर स्टे चाहिए या फिर कुछ शादी वगैरह के लिए आपको कुछ स्पेस चाहिए तो ये वन ऑफ द, मेरे ख्याल से वन ऑफ द क्या ओनली वन है ना, ओनली वन यहाँ पे। और ये हमारे साथ अजीत सर है और वेद सर है यहाँ पे। सर आप बताएं सर अपने बारे में। मैं ताज खेमा का मैनेजर हूँ। हाँ। इस समय जुलाई में ही पोस्टिंग हुई है। अच्छा। और मैं भी आप लोगों के माध्यम से इसको थोड़ा सा और मार्केट देना चाहता हूँ जिससे कि हम लोगों को थोड़ा बिजनेस मिले। यहाँ पे क्या स्टे वगैरह का कुछ बताएंगे? स्टे का है हमारे पास दो कैटेगरी कमरे है मेरे पास। हाँ। एक एसी डिलक्स है। हाँ। जिसके रेट है 2500। हाँ। प्लस टैक्सेस। हाँ। और उससे एक नीचे है एसी एग्जीक्यूटिव कमरा जो 1500 प्लस टैक्सेस का। रेट बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और मेरे ख्याल से शायद नॉन नेगोशिएबल। ताजमहल के बगल में बहुत ही रीजनेबल, सही बात है, यही मैं कहने वाला था कि आप सुबह सुबह उठो शाम को आओ आपको ताजमहल जस्ट बगल में दिख जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ऑफ सीजन में सर हम लोग कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर देते। अच्छा। हैं 10-20% क्या बात। तो कभी भी आपको अगर ताजमहल के आसपास कहीं रहना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी। छह कमरे हैं अभी? पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। और रूम्स में एक चीज और मैं ऐड करूंगा, इसमें ब्रेकफास्ट भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे। ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री। और वेद सर के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारी बिहार राइड की वीडियो देखी है तो जब हम लौट रहे थे तो हमें एक भाई मिले थे जिनका नाम था धनेश भारद्वाज, उनके सर बड़े भाई हैं। तो उधर से इनसे मुलाकात हुई और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं भी कभी ऐसा प्लान करूंगा यहाँ स्टे करने का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।